नमस्कार, मैं हूँ करवीर। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, गोल्ड लोन, ब्लूम डेल, विद्या बगान, आईएसएम कुंदाग, एनआईपीएस स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरिज प्राइवेट लिमिटेड। अटकलों पर पीएमओ की सफाई, पीएम मोदी नहीं करेंगे लॉकडाउन का ऐलान। झारखंड विधानसभा में भूखल खांसी की मौत पर विपक्ष ने किया हंगामा। सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय छात्र एयर इंडिया लाने को तैयार नहीं। अमेरिका में भारतीय छात्रों पर दोहरी मुसीबत, स्वदेश लौटना मुश्किल और हॉस्टल छोड़ने को भी कहा। चिदंबरम ने राज्य सरकारों से की सभी शहरों को लॉकडाउन करने की मांग। दिल्ली में सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद, टीचरों को भी दी गई छुट्टी। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ का दावा, शिवराज चौहान नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदस्यता लेने पर विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा 826 नमूनों का परीक्षण किया गया, उनमें से एक भी नमूना पॉजिटिव नहीं आया है, सभी नमूने निगेटिव पाए गए। कोरोना वायरस से नहीं उबरा शेयर बाजार, 581 अंक गिरकर 28,500 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। मुंबई के डब्बा वाला ने कोरोना वायरस के मद्देनजर 20 मार्च से 31 मार्च तक अपनी सेवाएं निलंबित कर दी। कोटा विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के मद्देनजर 20 मार्च से 31 मार्च तक की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। परीक्षाओं की नई तारीख विश्वविद्यालय जल्द ही वेबसाइट पर जारी करेगा। भाजपा विधायक रणधीर सिंह का आरोप, झारखंड सरकार बांट रही है नकली मास्क और सैनिटाइजर। अनिल अंबानी और राणा कपूर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। 22 मार्च से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विमान भारतीय एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाएंगे, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कई चीजों पर लगाया बैन, काउंटर सेवा बंद, एटीएम और ऑनलाइन सेवा से निकाले जा सकते हैं पैसे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे नए बुलेटिन और अपडेट के साथ।